देखिए ये राहुल जी का बयान है और वो इस उनका एक अपनी भावना है और ये भावना वो बीच बीच में व्यक्त करते हैं और क्योंकि पार्टी लीडर है तो वो लोग सुनते हैं। इसमें इसमें टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो उनकी भावना है। सर जिस तरह की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण या ये जो चीज़ें आ रही हैं इसको लेकर सर क्या मत है आपका कि अब नए सिरे से ये चीज़ सामने आ रही है या इसकी जरूरत महसूस हो रही है? देखिए मैं तो देशभक्त हूँ और राष्ट्रभक्त हूँ और ये राष्ट्र किसी भी बाहर पार्टी के ऊपर है। पार्टी राष्ट्र से बड़ी नहीं है, देश राष्ट्र पार्टियों से बड़ा है। अगर हम जनसंख्या का नियंत्रण नहीं करेंगे तो एक ऑस्ट्रेलिया हर साल प्रोड्यूस करेंगे और आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो, आप कितनी भी टैक्सेस वसूल कर लो, देश गरीब का गरीब रहेगा क्योंकि आप कितनी व्यवस्थाएं बढ़ाओगे, कितने अस्पताल बढ़ाओगे, कितनी कितने कितना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाओगे, कितने हाउसिंग बढ़ाओगे, कितनों को जॉब दे पाओगे। मगर प्रॉब्लम क्या होती है, हर वक्त जैसे इमरजेंसी के वक्त आपको याद होगा संजय गांधी जी लेके आए ये, बट कार्यक्रम अच्छा था, समय ठीक नहीं था और तरीका ठीक नहीं था क्योंकि आपने फोर्स किया लोगों को, लोगों की इससे लोगों में गुस्सा आया और कांग्रेस हारी उसके बाद, ये भी कारण है कांग्रेस हारने का। अब जो कर रहे हैं अगेन वोट की राजनीति से आप इसको जोड़ रहे, वोट की राजनीति से मत जोड़ो, ये देश का प्रॉब्लम है। आपको तो सब पार्टीज को बुला के एक कंसेंसस बना के, जैसे चाइना में आपको मालूम है 30 साल तक पॉलिसी थी और वन चाइना, तब उन्होंने जाके रोका। और दूसरी बात आप सुनिए, ये कहीं ना कहीं एजुकेशन से कनेक्टेड है, अवेयरनेस से कनेक्टेड है। हमारे हमारे देश में केरल एक प्रांत है, 30 साल से केरल में पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो है, वर्चुअल क्यों है जीरो, क्योंकि वहां लोग पढ़े लिखे थे। तो पढ़ाई लिखाई बढ़ाइए, अवेयरनेस बढ़ाइए और इसको एक नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप करोगे तो फिर आप इस प्रोग्राम को विवादित करोगे और उससे क्या होगा, जो एक अच्छा प्रोग्राम है वो भी विवादित होकर हमारे देश में नुकसान। पूरी तरह से जिसको अपन कहते हैं इस देश लागू करने में डिफिकल्टी होगी इम्प्लीमेंटेशन। अब जिसने अगर तीसरा बच्चा पैदा कर दिया तो आप क्या करोगे उसके साथ, उस बच्चे को परेशान करोगे, माता पिता को परेशान करोगे? तो ब्लैंकेट लॉ तो ठीक है, लॉ एक पार्ट है इसका, बट लॉ से ज्यादा हमको अवेयरनेस और एजुकेशन का इसको पार्ट बनाना पड़ेगा और जब तभी ये चीजें हम सक्सेसफुल होंगी या तो फिर होंगी। तो कमलनाथ जी का चला दिल्ली जाने का, तो क्या लगातार इस तरह की बातें आती है उनको तो लेकर मांग उठती है कि एक बार विवेक चंद्रज की? नहीं नहीं सब कुछ भी नहीं, मेरी तो चर्चा भी नहीं हुई और मैंने आपको बताया ना मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं इन बातों की चर्चा करता भी नहीं। आप कमलनाथ जी से पूछ लीजिए, सोनिया जी से पूछ लीजिए, मैं कभी इन बातों की चर्चा नहीं करता क्योंकि मेरा ये मेरा सोच है हर आदमी को वही चीज़ मिलनी चाहिए जिसके वो लायक है, मेरिट बेस्ड होना चाहिए, जो लायक होगा उसको मिलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हम लोग सब मिलकर देश के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, लीडरशिप की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।